देखो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है हमें, सर्कुलर मोशन में जो अभी तक हम क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन। अब समझो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब क्या कर रहा है, कोई पार्टिकल घूम रहा है इस तरह से, तो जैसे जैसे वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसका जो डिस्टेंस है या जो हाइट है कहां से ग्राउंड से, वो चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज है, सिंपल सा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन देखना है। वर्टिकल प्लेन में जैसे जैसे पार्टिकल क्या करेगा, घूमेगा, वैसे वैसे उसकी हाइट ग्राउंड से क्या होती जाएगी, चेंज। सिंस हाइट कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, हाइट के चेंज होने की वजह से यहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, उसका चेंज होगा। तो यहां पे हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या करना होगा, यूज करना होगा। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना तो है क्या, वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन, बट एक टॉपिक हमारा ऐसा है जो एक तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को कनेक्ट करता है, राइट। एक टॉपिक हमारा और बचा हुआ है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कनेक्ट करता है, राइट, और वो है हमारा कोनिकल पेंडुलम, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, देखना है कोनिकल पेंडुलम को। कोनिकल पेंडुलम ये इस तरह से है कि लटका तो किसमें है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, सॉरी वर्टिकल प्लेन में, लेकिन जो मोशन कर रहा है वो किसमें कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो इस तरह से हमने उसको क्या कर दिया, वर्टिकल प्लेन में लटका दिया है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। जब ये इस तरह से क्या करेगा, घूमेगा, तो हमें यहां पे एक कोन सा दिखेगा, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं क्या, कोनिकल पेंडुलम। एक्सेप्ट कोनिकल पेंडुलम, जितने भी टाइप के पेंडुलम होंगे, जितने भी टाइप के ऐसे मोशन जो अपने आप को बार बार रिपीट करेंगे, इन सबके टाइम पीरियड को हमेशा निकालेंगे एसएचएम वाले चैप्टर में। 11th का सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक है, सेकंड लास्ट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। जितने भी टाइम पीरियड्स हमें निकालने हैं, जितने भी फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, सब उस चैप्टर में निकालने हैं, एक्सेप्ट कॉनिकल पेंडुलम। ये अकेला एक ऐसा टॉपिक है जिसका टाइम पीरियड हम क्या करेंगे, यहां पे निकालेंगे। अब पहली चीज, टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, जितने टाइम में वो एक साइकिल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो भी उसे टाइम लगेगा वही कहलाएगा क्या, टाइम पीरियड, वही कहलाएगा टाइम पीरियड। तो यहां भी हम क्या कर रहे हैं, उसी को चेक कर रहे हैं। तो पहले समझ लेना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वही हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन वहीं से आना है। मान लो हमने क्या किया, यहां से राइट वर्टिकल से एक स्ट्रिंग ले लिया, जिसको वर्टिकल से एंगल दे दिया कितना, थीटा, है ना। स्ट्रिंग का लेंथ हमने कंसीडर कर लिया, लेट से एल, और इसको ऐसे घुमा दिया। तो अगर हम इसको घुमा देंगे तो ये कंटिन्यूअसली इस तरह से क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, और जब हम इसको देखेंगे तो ये कोन की तरह हमें दिखेगा। ये एक सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट करेगा वही मुझे क्या करना है, निकालना है, मतलब टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। मुझे चेक करना है कि भाई इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स मुझे दिखेगा नीचे की तरफ mg, ये स्ट्रिंग है तो इसमें दिखेगा मुझे टेंशन t। मैंने यहां से एक सीधी लाइन खींच दी, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, मैं टेंशन को क्या कर सकता हूं, कॉम्पोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूं, राइट। मैंने लिखा कि ये हो जाना चाहिए और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। हमें पता है कि अगर कहीं पे सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पे कोई ना कोई एक्चुअल फोर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस या कोई फोर्स का कोई कॉम्पोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर तो लगेगा ही लगेगा। हमने तीनों के एग्जांपल देख लिए, राइट। डायरेक्ट फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, कल मतलब लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल देखा था जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स लग रहे थे और यहां पे फोर्स का एक कॉम्पोनेंट लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। लेट्स से हमने कंसिडर कर लिया कि भाई जो रेडियस है वो कितना है r, ये रेडियस r है। अब समझो ये t sin थीटा एक्चुअल फोर्स है जो प्रोवाइड कर रहा है क्या, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमने लिखा t sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, पर मैं यहां पे mv स्क्वायर बाय r फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा, मैं यहां पे फॉर्मूला यूज कर रहा m ओमेगा स्क्वायर r। वो इसलिए क्योंकि एक बार अगर मुझे ओमेगा मिल जाए तो मैं वहां से क्या कर सकता हूं, टाइम पीरियड निकाल सकता हूं, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, सिंपल सा ऐसे। इसी तरह से जो टी कॉस थीटा है वो बैलेंस करेगा किसे, एमजी को। तो हमने यहां लिखा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर वन को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर टू से, तो टी से टी कैंसिल, ये हो जाएगा टेन थीटा, एम से एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, सिंपल सा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं ओमेगा की वैल्यू, ये हो जाएगा क्या, जी टेन थीटा डिवाइड बाई आर
का स्क्वायर रूट, राइट, ये आ गया। पर समझो क्वेश्चन में तुम्हें आर नहीं दिया रहेगा, राइट, क्वेश्चन में आर की वैल्यू शायद ही गिवन रहे, क्वेश्चन में दिया रहेगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट, क्वेश्चन में दिया रहेगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे ये एल है तो बेटा ये भी तो एल है, राइट, ये एंगल कितना थीटा, तो ये जो आर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एल साइन थीटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये एल, तो ये एल कॉस थीटा और ये, तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। अच्छा कभी कभी तुम चाहो तो इसको एच कंसिडर कर सकते हो और लिख सकते हो एच इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, है ना, फिलहाल हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो हमने इसे लिखा ओमेगा इज इक्वल टू जी टेन थीटा डिवाइड बाई आर की जगह पे एल साइन थीटा लिख दे रहे हैं, इसे लिख दिया हमने एल साइन थीटा। अच्छा टेन थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, साइन थीटा डिवाइड बाई, तो देखो बेटा साइन से साइन कैंसिल, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, है ना, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी डिवाइड बाई, इसको लिखा जा सकता है टू पाई बाई टी, मैं यहाँ पे स्मॉल टी लिखा है मैंने, वो इसलिए क्योंकि कैपिटल टी को हमने यूज कर लिया टेंशन के लिए, है ना, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो कि सर कैपिटल टी टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है या टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंस हमने इसको यूज कर लिया किसके लिए, टेंशन के लिए, यहां पे मैंने स्मॉल टी लिख दिया, तो टू पाई बाई टी इज इक्वल टू हम लिखे रहे क्या अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा, तो टाइम पीरियड आ जाएगा टू पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। इसको याद रखने का भी तरीका है, ऐसा नहीं कि बहुत अलग सा है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 बाय अंडर रूट एल बाय जी था, इसको कई बार हमने क्या किया यूज किया है कई क्वेश्चंस में, यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह में भी, तो हमने कई बार यूज किया है कि भाई अगर कहीं पे सिंपल पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड होता है 2 बाय अंडर रूट, बस यहां पे एल बाय जी ना होके क्या है एल कॉस थीटा बाय जी, इसको याद रखना है, जहां पे थीटा क्या है एंगल ऑफ द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, कि भाई उसको यहां से कितने ऊपर तक उठा के हमने उसको क्या किया घुमाया है, तो थीटा हो गया एंगल ऑफ स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, सिंपल सा, राइट, फॉर्मूला ही हमें क्या करना है याद रखना और कुछ नहीं, इसको नोट कर लो, एल कॉस थीटा को एस से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट, बिल्कुल नहीं रिप्लेस कर सकते, बट उसको उसके फॉर्मेट में क्यों लिखा है, क्योंकि एच नहीं दिया जाता मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या दिया जाता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो, वहां पे लिख सकते हो टी इज इक्वल टू 2 बाय अंडर रूट एच बाय जी। चलो बेटा अब इस पार्ट को क्या करना है सही तरीके से समझना है, क्योंकि यहां पर जो अब हम क्या करने वाले देखने वाले हैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, बट मैंने अपने तरफ से भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुमको क्या किया नहीं पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं तुमको बार बार बोल रहा हूं कि टेंशन के क्वेश्चन, नॉर्मल इलेक्शन के क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन जहां जहां पे आ रहे हैं इसको हम सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरा पढ़ने के बाद प्लीज इस चैप्टर को एक और बार रिवाइज जरूर कर लेना। तो यहां पे अब हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी क्या करना होगा, यूज करना होगा, नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं जिससे क्वेश्चन अच्छे बनने के चांसेस है वह है सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, अगेन पहले क्या कर लेना है समझ लेना है उसके बाद आराम से नोट कर लेना। मान लो मैंने क्या किया एक आर लेंथ का यहां पे स्ट्रिंग ले लिया और उससे एम मास का एक पार्टिकल क्या कर दिया है इस तरह से लटका दिया है। अब जब अगर इसे मैं क्या करूंगा वेलोसिटी दूंगा तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, थोड़ा और वेलोसिटी दूंगा तो ऊपर आएगा फिर नीचे, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे ये एग्जैक्टली यहां तक पहुंचेगा लेकिन फिर सीधा नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे एक लिमिट से ज्यादा वेलोसिटी दे दूं, एक और थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ाए तो ये पूरा क्या करेगा सर्कल कंप्लीट करके आएगा। मोटिव हमारा जो पूरा डेरिवेशन हम करने वाले हैं उसका यही है कि लोवेस्ट पॉइंट पे मैं कम से कम कितनी वेलोसिटी दूं कि ये पूरा एक सर्कल वर्टिकल प्लेन में क्या कर ले कंप्लीट कर ले, वही हमें क्या करना है इसमें निकालना है, उसी को हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। तो मान लो यहां से मैंने वेलोसिटी दी तो ये क्या करेगा इस तरह से सर्कल कंप्लीट करता हुआ वापस आएगा। ये पॉइंट मैंने मान लिया है क्या ए और यहां की वेलोसिटी वी ए, इसे कंसिडर कर लिया लेट से कितना बी। दूसरा पॉइंट हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं यहां पे लेट से ये पॉइंट हमने मान लिया क्या बी और तीसरा पॉइंट हम ले रहे हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ लेट से इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या सी। यहां की जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी वी बी और यहां की वेलोसिटी हो जाएगी वी सी।
एक चीज को समझना बेटा, हर जगह पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। सिंस जैसे जैसे सर्कुलर मोशन करेगा वैसे से हर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा, इसलिए हर पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी क्या होगी, अलग अलग होगी, स्पीड अलग अलग होगा। यहां पे अगर मैं क्या करूं देखूं तो ये हो गया हमारा एक तरीके से सेंटर। मुझे देखना है कि यहां पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो पहला मुझे मिलेगा फोर्स नीचे की तरफ mg और दूसरा लगेगा टूवर्ड द सेंटर टेंशन, मान लिया कितना ta, राइट। इसी तरह से b पॉइंट को तुम क्या करोगे, खुद निकालोगे, हम क्या करेंगे c पॉइंट को देखेंगे, राइट, पॉइंट c को हम देखेंगे। तो c पॉइंट पे जो वेट लगेगा वो लगेगा नीचे की तरफ और टेंशन लगेगा टूवर्ड द सेंटर, मान लिया कितना tc। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं एट पॉइंट ए, पहले हम फोकस कर रहे हैं पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी हमने ली है वो कितनी ली है, v ली है, हमने ये मान लिया कि ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है v। फिर हमें क्या करना है, देखना है कि इसमें कौन सा वो फोर्स है जो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। मुझे देखने में समझ में आया कि टूवर्ड द सेंटर लग रहा है ta, पर उसका अपोज कर रहा है कौन, तो नेट फोर्स हो गया ta माइनस mg, यही प्रोवाइड करेगा मुझे सेंट्रीपेटल फोर्स, और इसे हम लिखेंगे एम वी ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ध्यान रखना है हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है, उसको कंसीडर करना है, यहां पे सिर्फ v नहीं लिख देना है, va। हाँ, वो अलग बात है कि a पॉइंट की वेलोसिटी को हमने कितना लिया हुआ है, v ही लिया हुआ है। तो यहां से मुझे समझ में आया कि a पॉइंट का जो टेंशन हो जाएगा, mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर। लेट्स से इसको मान लिया इक्वेशन नंबर वन, राइट, ये कंसीडर कर लिया हमने इक्वेशन नंबर वन। अब C पॉइंट पे टेंशन कितना है मुझे वो भी जानना है, एज वेल एज मुझे ये भी निकालना है कि यहां की वेलोसिटी कितनी। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं एट पॉइंट C, राइट, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। देखो बेटा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को समझने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जब भी वेलोसिटी निकालना हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, और जब भी टेंशन निकालना हो फोर्स का इक्वेशन लगाओ। जब भी वेलोसिटी निकालना हो क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, और जब जब मेरे मुंह से एनर्जी निकल जाए, ध्यान रखना है जब जहां 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 पे हम यूज करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट, तो प्रॉपर तरीके से उसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जल्दीबाजी में मेरे मुंह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकल जाता है। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर तरीके से, है ना, इसको डिस्कस करेंगे। तो मेरा कहना है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें क्या करना है, यूज करना है जब भी क्या निकालना हो, वेलोसिटी, बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल। इसी तरह से जब भी तुमको टेंशन निकालना रहेगा हमेशा क्या करना है, इक्वेशन से लिखने हैं फोर्स के। जैसे ये देखो हमने यहां पे लिखा है कि भाई टूवर्ड द सेंटर लग रहा है ta, अपोज कर रहा है mg, तो नेट हो गया ta माइनस mg। यही कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स हमें प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपेटल फोर्स, जो हम नॉर्मल रिएक्शन वाले में बात कर रहे थे, है ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो देखो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, vc की वैल्यू निकालनी है क्योंकि va दिया हुआ है। तो यहां पे हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या प्रॉपर बोलना चाहिए मैकेनिकल एनर्जी। इसका सीधा सीधा मतलब होता है इन अब्सेंस ऑफ रेसिस्टिव फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, ये सब अगर अब्सेंट रहे तो, और नहीं बोला जाएगा तो वैसे भी अब्सेंट मानेंगे ही, कभी भी अपने से कंसिडर नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि भाई जितनी मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पे होनी चाहिए उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी, इसका मतलब हुआ कि जितनी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ए पे उतनी ही पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी सी पे। ये हमारे लिए एक तरीके से लोवेस्ट पॉइंट है। इन जनरल हम लोवेस्ट पॉइंट को एक तरीके से रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। रेफरेंस लाइन कहने का मतलब है उस जगह की पोटेंशियल जी क्या कंसिडर करते हैं, जीरो। इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी जीरो माना जा सकता है क्योंकि पोटेंशियल एक रिलेटिव क्वांटिटी है, पर मैं फोकस अभी उस पर ज्यादा नहीं कर रहा। तुम ये मान के चलो कि ये लोएस्ट पॉइंट है, यहां की पोटेंशियल हमने कितनी कंसीडर कर ली, जीरो कंसीडर कर ली। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना लिखेंगे बेटा हम, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट सी, बताओ यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है, टू आर, टोटल डायमीटर के बराबर, ये आर और आर, टू आर। तो हम लिखेंगे एम जी, और एच की जगह पर हमें लिखना चाहिए कैंसिल। पूरे इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा v square, right? v square is equal to 4rg।
टू था, दो से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया? तो ये हो गया 4RG प्लस, ये हो जाएगा क्या? VC स्क्वायर, ये हो जाएगा VC स्क्वायर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने से हमें मिल गया क्या? VC की वैल्यू कितनी? अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4RG। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके हम क्या बताएंगे? वेलोसिटी। हमें पता चल गया कि भाई यहां की वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4RG। फिर मुझे क्या निकालना है? टेंशन निकालना है, राइट? फिर मुझे निकालना है टेंशन। तो टेंशन के लिए इक्वेशंस लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ फोर्स। टुवर्ड्स द सेंटर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? टीसी भी लग रहा है और एमजी भी लग रहा है। तो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है टीसी प्लस एमजी, प्लस एमजी। ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसे हमें लिखना चाहिए एम वी सी स्क्वायर बाय आर, इसे लिखना चाहिए एम वी सी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से टेंशन हो जाएगा एम वी सी स्क्वायर बाय आर माइनस एमजी। अगर तुम इसको थोड़ा कंपेयर करो, कल हमने कुछ पढ़ा था, राइट? इस तरह का एक केस देखा था, है ना? ये कॉनकेव, सॉरी, ये कॉन्वेक्स वाला पाथ और ये कॉनकेव वाला, ऐसा पढ़ा था। और वहां पे इसमें जब हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाला था तो नेट नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया था, mg माइनस mv स्क्वायर बाय r, याद आ रहा है? और इसमें नेट नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया था, mg प्लस mv स्क्वायर बाय r, याद आ रहा है? कुछ वैसा ही यहां पे और यहां पे आ रहा है। ये वाला पार्ट बिल्कुल इक्विवेलेंट है इसके सेकंड पार्ट के, राइट? यहां भी ये कॉनकेव है, यहां भी कॉनकेव। नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो गया था, mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। यहां पे टेंशन ta की वैल्यू क्या आ रही, देखो, mg प्लस mv स्क्वायर, दिख रहा है? यहां पे नेट नॉर्मल रिएक्शन कम था, mg माइनस mv स्क्वायर बाय r था। यहां पे इस पार्ट में नेट टेंशन कम है, mv स्क्वायर बाय r माइनस mg। एक ही डिफरेंस है, नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस mv स्क्वायर बाय r था, यहां पे mv स्क्वायर बाय r माइनस mg। बात आ रही समझ में? हम कह रहे हैं कॉनकेव वाले पार्ट में नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा था, इसमें घट गया, इसमें टेंशन बढ़ गया है और यहां पे टेंशन तो उसी के जैसा है। बस यहां हमने पाथ वाले में नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा था और यहां पे क्या है? टेंशन। बस यही एक डिफरेंस है। मेरे पास वीसी की वैल्यू है, राइट? वीसी स्क्वायर की वैल्यू है, मैं यहां पे ये पुट कर दूंगा, तो मैं निकालूंगा टीसी इज इक्वल टू एम बाई आर, और वीसी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर माइनस 4RG माइनस एमजी, राइट? माइनस हमारे पास क्या है? एमजी है। देखो जरा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा मैं। अगर मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो एमवी स्क्वायर बाई आर माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आर से आर कैंसिल, क्या बचेगा? माइनस 4MG, माइनस 4MG एंड माइनस एमजी। तो टीसी की वैल्यू आ रही है हमारे पास एमवी स्क्वायर बाई आर माइनस 5MG। तुम यहां से ये भी देख सकते हो, ये पहले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इसको मान लिया हमने थर्ड क्वेश्चन, राइट? तुम इस चीज को भी देख सकते हो कि ए और सी में लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट में कितने का टेंशन का अंतर है, टेंशन का कितना अंतर है? 6MG के बराबर। ए पे एमवी स्क्वायर बाई आर प्लस एमजी है, यहां पे एमवी स्क्वायर बाई आर माइनस 5MG। तो बेटा एमवी स्क्वायर बाई आर यहां भी है, यहां भी, उसका कोई रोल नहीं। लेकिन यहां पे एमजी है और यहां पे माइनस 5MG, एमजी से लेके माइनस 5MG के बीच का अंतर कितना है? 6MG के इक्वल है। तो ये भी हम क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट में टेंशन का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो हमेशा कितना? 6MG के इक्वल होता है। इसको हम चाहें तो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करके भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एनीवे, टेंशन हमने निकाल लिया, पर याद करो क्वेश्चन, इसको हमने जब शुरू किया था तो हमारा मेन मोटिव था ये निकालना कि भाई कम से कम मैं कितनी वेलोसिटी दूं कि पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। वापस आते थोड़ा सा उस पॉइंट पे, देखो, अगर मान लो मैंने थोड़ी सी वेलोसिटी दी, राइट? मान लो इधर वेलोसिटी दी, यहां तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा, क्यों? उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही किसमें? फिर वापस काइनेटिक में। थोड़ी और वेलोसिटी दे, थोड़ा और ऊपर तक जाता है फिर नीचे, थोड़ी और वेलोसिटी देते हैं यहां तक जाएगा फिर आएंगे। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ऐसा होता है जब ये पहुंचता यहां है और फिर सीधा ये होता है अंडर रूट 4LG के बराबर, या अंडर रूट 4RG के बराबर। ये अंडर रूट 4RG कहां से आया मैं समझाऊंगा, पर अगर मैं अंडर रूट 4RG दूंगा तो ये बिल्कुल ऊपर तक पहुंच तो जाएगा, लेकिन यहां जाने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, सीधा नीचे गिर जाएगा। क्या सर्कल कंप्लीट हुआ? अगर मैं इसे थोड़ी और वेलोसिटी दूं, इतनी
कि यहां जाने के बाद एक वेलोसिटी फिर भी रखा रहे, जिसको आगे लेके जाए तो धागा बंधा हुआ है, इसको आगे लेके जाएगा, ये घुमा के वापस ले आएगा और सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, राइट? वर्टिकल प्लेन में सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं ये कैसे पता करूं कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी, तो घुमाने को तो मैं कितनी भी तेजी से घुमा सकता हूं, सर्कल तो कंप्लीट करेगा ही, लेकिन भाई वो कम से कम वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे देखो ऐसा है, सर्कल कंप्लीट करने के लिए यहां पे कुछ वेलोसिटी तो उसको रखना पड़ेगा, तभी तो उसी वेलोसिटी से वो आगे जाएगा फिर घूम के वापस आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले पॉइंट पे इसके पास टेंशन रहे, हमारे टेंशन को जीरो कर दो, राइट? हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन को क्या कर दो, जीरो कर दो। और जीरो करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी हमको क्या करनी है, देनी है। हमने बोला क्यों टेंशन को जीरो कर दे, तो हमने बोला देखो ऐसा है, सी पॉइंट पे सर्कुलर मोशन करने के लिए जरूरी क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। दो दो लोग अवेलेबल हैं, टीसी भी अवेलेबल और दोनों अवेलेबल हैं, क्या प्रोवाइड करने के लिए, क्या तुम एमजी को जीरो कर पाओगे? तो हमने बोला देखो एमजी को जीरो मत करो, हो भी नहीं सकता, टेंशन को जीरो कर लो, वो अवेलेबल है, एमजी अवेलेबल है, जो क्या प्रोवाइड कर देगा, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। और तुमको क्या निकालना है, वही मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है ना भाई, कम से कम वेलोसिटी दोगे तो वैसे भी बहुत तेजी से जब घुमाते हैं तो रस्सी में तनाव ज्यादा है, टेंशन बढ़ता है, धीरे धीरे घुमाओगे तो टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बिल्कुल ही धीरे घुमाए कि यहां जाके टेंशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसके बावजूद एमजी बचा है मेरे पास किसके लिए, वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और ये सर्कल कंप्लीट करके नीचे आ जाएगा, है ना? तो मिनिमम या लोवेस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी निकालने के लिए हम हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। हम बोले यार टेंशन की जरूरत नहीं है, अभी टेंशन को क्या कर दो, जीरो कर दो, फिर भी ये सर्कल कंप्लीट करके आ जाएगा। सर्कल क्यों कंप्लीट कर लेगा, एमजी अवेलेबल है सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। समझ में आया? तो यहां पर हम लिख रहे हैं फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, राइट? ये निकालने के लिए कि लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम कितनी मैं वेलोसिटी दूं, इसको टेंशन जीरो कर दी, उससे ज्यादा दोगे तो टेंशन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कर दिया, टीसी की वैल्यू को और फिर इक्वेशन नंबर 3 को हटाया। अगर इसकी वैल्यू जीरो कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एमवी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 5mg, राइट? एम से एम कैंसिल और वी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी अंडर रूट 5 आर जी के इक्वल। एम कैंसिल हो गया था, आर उधर गया, ये मिला मुझे कितना, अंडर रूट 5। ये वो फॉर्मूला है बेटा जो तुमको नींद में याद होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि सर्कल कंप्लीट कर दे, अंडर रूट 5 आर जी, जहां पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग या रेडियस ऑफ द पाथ, जो लेना है ले सकते हो, पर ये याद होना ही चाहिए, किसी भी कीमत पे पता होना चाहिए कि लोवेस्ट पॉइंट पे हम इसको अंडर रूट 5 आरजी के बराबर क्या करेंगे, वेलोसिटी देंगे, सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ज्यादा दोगे फिर भी कंप्लीट करेगा, टेंशन भी रहेगा, और ज्यादा दोगे कंप्लीट करेगा, टेंशन और बढ़ जाएगा, है ना? इतना दोगे कंप्लीट करेगा, टेंशन जीरो, इससे और कम दोगे अंडर रूट 4 आरजी तक दोगे, यहां तक जाएगा सीधा नीचे गिर जाएगा, राइट? और कम दोगे यहीं तक जाएगा नीचे गिर जाएगा, और कम दोगे यहां तक जाएगा। बात आ रही समझ में? है ना? तो अंडर रूट 5 आरजी की वेलोसिटी हम क्या करते हैं, इसको देते हैं और ये सर्कल क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, है ना? इसको पूरा नोट करो, अभी इसमें क्वेश्चंस भी करने हमें। अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर किसी भी वर्टिकल प्लेन में लोवेस्ट पॉइंट पे हम एटलीस्ट अंडर रूट 5 आरजी की वेलोसिटी दे दें तो ये एक सर्कल कंप्लीट कर ले जाएगा। अब सिंस ये वो वेलोसिटी है जिससे क्या करता है, सर्कल कंप्लीट करता है, हमें कुछ चीजें पहले ही सॉल्व करके रख लेनी है। सॉल्व ये करके रख लेना है कि अगर हमने लोवेस्ट पॉइंट पे, पॉइंट ए पे अंडर रूट 5 आरजी दिया तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, इसी तरह से यहां का टेंशन कितना होगा, भाई रस्सी यहां पे जाएगा यहां भी एक टेंशन होगा, टीबी ये कितना होगा और ये कितना होगा, हालांकि हमें पता है ये कितना आ जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 5 आरजी निकाला ही कैसे, इसको जीरो करके ये निकाला है, मतलब जब वेलोसिटी ये रहेगा तो टीसी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। उसके बावजूद हमने सोचा एक काम करते हैं, ये तीन हमारे क्या है, जनरल पॉइंट है, राइट? पॉइंट ए बी और सी, तीनों ही जगह पे कितनी वेलोसिटी है और कितना टेंशन है ये हम क्या कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, ताकि हमें एटलीस्ट याद रहे इनको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, किसी और वेलोसिटी के लिए जरूर हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो समझो बेटा,
बिल्कुल टफ नहीं है, दो ही चीजें याद रखनी है, जब जब वेलोसिटी निकालना हो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और जब जब हमें टेंशन निकालना हो फोर्सेस के इक्वेशन, दैट्स इट, है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं एट पॉइंट ए, सबसे पहले हमने निकाला एट पॉइंट ए वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है कितनी, अंडर रूट 5 RG, मुझे निकालना है टेंशन, तो हम सीधा बता रहे हैं टी ए माइनस एम जी, यही लिखा है, वापस से लिख ले रहा मैं, टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर, तो टेंशन एट पॉइंट ए आ जाएगा एम जी प्लस एम बाई आर वी ए स्क्वायर 5 RG, तो ये लिख दिया हमने 5 RG, आर से आर कैंसिल, 5 mg प्लस एम जी कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है 6 mg, सिंपल सा। फिर हमें निकालना है पॉइंट बी के लिए, तो हमने लिखा एट पॉइंट बी, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या यूज करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, इसमें और इसमें ये जो हाइट है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, राइट, इस लाइन में और इस लाइन में हाइट जो है वो आर के इक्वल है। हमने लिखा कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ए की होनी चाहिए उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बी पे होनी चाहिए। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना ले रहे हैं, 0, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², और वी स्क्वायर कितना है, 5 RG। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना लेंगे, एम जी एच और एच की जगह पे आर, तो हमने लिखा एम जी आर, और काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है तो 1/2 mv², हर जगह एम कैंसल हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन को मैं 2 से मल्टीप्लाई और कर दे रहा, पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5 RG, राइट, ये हो गया 5 RG, राइट हैंड साइड पे ये हो जाएगा 2 RG, राइट, ये हो जाएगा 2 RG प्लस Vb², राइट, तो ये हो जाएगा Vb², ये इधर आ जाएगा तो 3 RG, और हमें पता चल गया कि Vb की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 RG, राइट, तो हमें यहां समझ में आ गया कि यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी अंडर रूट 3 RG। फिर मुझे देखना है कि यहां पे टेंशन कितना, तो देखो बेटा यहां पे अगर टेंशन लिखना है तो पहली चीज वेट किधर लग रहा है, नीचे, क्या इस वेट का कोई भी कॉम्पोनेंट टूवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर दिख रहा है, राइट, मतलब इसका जो एमजी है, जो फोर्स लग रहा है, ना तो उसका कोई भी कॉम्पोनेंट सेंटर की तरफ लग रहा है, मतलब सेंट्रिपेटल फोर्स में सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है, मतलब इसका रोल कुछ भी यहां पे नहीं है, तो सिर्फ बचा क्या टूवर्ड्स द सेंटर, टीवी, और यही अकेला क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रिपेटल फोर्स, तो हम लिखेंगे एम वीबी स्क्वायर बाई आर, तो हमने लिखा एम बाई आर और वीबी स्क्वायर की वैल्यू, तो आर से आर कैंसिल और टेंशन आ गया कितना, 3 mg, ये निकाल लिया हमने टेंशन यहां पे। फिर बच गया हमारा क्या, सी वाला पॉइंट, तो फिर हमने लिखा क्या, एट पॉइंट सी, अगर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या लिखना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने लिखा जितनी पोटेंशियल और काइनेटिक ए पे उतनी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी सी पे, ये 0, ये लिखेंगे 1/2 mv², मतलब 5 RG, यूसी की वैल्यू, ये टोटल हाइट कितनी है, 2 R, तो हमने लिखा एम जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखेंगे 1/2 mv², हर जगह से एम कैंसल हो रहा है, राइट, हर जगह से एम कैंसल हो गया, सबको 2 से मल्टीप्लाई और कर दिया तो ये हो गया 5 RG, ये हो गया 4 RG प्लस Vc², ये इधर आ जाएगा तो RG बचेगा और Vc की वैल्यू आएगी अंडर रूट RG, राइट, ये आ गया अंडर रूट RG, तो यहां पे √5 RG, राइट, √5 RG, यहां पे √3 RG और यहां पे, राइट, यहां पे √RG, यहां पे टी ए की वैल्यू 6 mg, टी बी की वैल्यू 3 mg और टी सी की वैल्यू, तुम चाहो तो उसको वेरीफाई कर सकते हो, है ना, यहां पे हालांकि जरूरत नहीं है, तुमको पता है कि 0 ही आएगा, पर तुम चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, कैसे, mg प्लस टी सी, यही है, mg प्लस टी सी शुड बी इक्वल टू mvc² भैया, तो यहां से टी सी की वैल्यू जाएगी m बाई आर, vc² कितना आ रहा है, तो यहां लिख दिया RG माइनस mg, R से R कैंसिल, mg माइनस mg कितना जा रहा है, वो तो आना था वैसे भी, है ना, तो समझो ये वो चीज है जो तुमको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि बेटा ये कॉमन पॉइंट्स आ गए,
राइट। यहां पे अगर रूट 5RG दोगे तो 90 डिग्री के टाइम पे रूट 3RG और सबसे ऊपर पॉइंट पे रूट RG, ये याद रखना है। टेंशन यहां पे 6MG, यहां पे 3MG और यहां पे, इसको एज इट इज क्या करना है, याद रखना है, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर है ये, है ना। दो ही चीज है, वेलोसिटी निकालना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, और टेंशन निकालना है, राइट, फोर्स के इक्वेशन लिख लो, चलो करो इसे। तो ये हमें समझ में आ गया कि लोएस्ट पॉइंट पर अगर अंडर रूट 5RG देंगे, यहां रूट 3RG, यहां रूट RG, यहां 6MG, 3MG, 0। एक क्वेश्चन लिखना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बदल के मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, और जब जब सिमिलर क्वेश्चन लिखाया जाता है वैल्यू बदल के, मतलब वहां पे कुछ पैटर्न होगा जो हम क्या कर रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, है ना। अदरवाइज कभी भी सिमिलर क्वेश्चन करने का कोई वो नहीं है। तो एक क्वेश्चन लिखना है और इसको सॉल्व तुमको ही करना है, क्योंकि सिर्फ वैल्यू बदल रहा और कुछ नहीं कर रहा है ना। क्वेश्चन लिखो, इन द अबव प्रॉब्लम, इन द अबव प्रॉब्लम इफ अंडर रूट 10RG, इन द अबव प्रॉब्लम इफ अंडर रूट 10RG वेलोसिटी इज गिवन, वेलोसिटी इज गिवन एट पॉइंट ए, अंडर रूट 10RG वेलोसिटी इज गिवन एट पॉइंट ए, देन फाइंड द वेलोसिटी एंड टेंशन, देन फाइंड द वेलोसिटी एंड टेंशन एट पॉइंट ए बी एंड सी, एट पॉइंट ए बी एंड सी। समझो बेटा, अभी हमने अंडर रूट 5RG दिया था, तो यहां पे वेलोसिटी और टेंशन क्या कर लिया, निकाल लिया, बस वैल्यू बदल दिया है, अंडर रूट 5RG की जगह क्या बोल दिया, बस रूट 5RG या उससे ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए, ये सर्कल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, बस वैल्यू बदला और कुछ भी नहीं बदला है। वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल लगा के क्या करना है, वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी फोर्स के इक्वेशन बना के क्या करना है, टेंशन निकालना है। रूट 5RG की जगह रूट 10RG दिया है, करो सॉल्व जरा से। यहां पे मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बदली है, राइट, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, वैल्यू बदला हुआ है। देखो जरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जो पहला हमने क्या किया था, सॉल्व किया था पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, राइट। वेलोसिटी की अगर बात करें तो ए पे हमने वेलोसिटी गिवन दिया था कितना, 5RG, यहां पे क्या था, यहां पे क्या बचा था, RG। टेंशन की बात करें तो यहां पे क्या आ रहा था, यहां पे जीरो। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने क्या किया दिया हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कर दी, वैल्यू बदल दी मैंने, राइट। इसमें मैंने बोला कि एक पॉइंट ए पे हमने कितना रख दिया, 10RG, यहां पे हो गया कितना, अंडर रूट, यही आ रहा है, राइट, और यहां पे आया होगा, यही है। बिल्कुल उसी तरह से अगर तुम टेंशन देखो तो टेंशन यहां पे तुमने निकाला होगा 11MG, क्योंकि MG एक ऐड भी होता है ना। फिर यहां पे आया होगा, राइट, 8MG, और यहां पे आना आया होगा 5MG। तुम एक पैटर्न देख सकते हो, पहली चीज तो अंडर रूट 5RG उससे ज्यादा की वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी वो सर्कल कंप्लीट करेगा। इसमें तुम देख सकते हो कि रूट के अंदर में वैल्यू दो दो से कम होती जा रही है, रूट के अंदर 5 था, फिर रूट 3 हो गया, फिर रूट 1 हो गया, इसी तरह से रूट 10 था, 2 कम हुआ, रूट 8, फिर कम हुआ रूट 6। इसको ये मत कह देना कि सर अंडर रूट 2RG से कम होता जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे हम। रूट के अंदर 5 की जगह पे 3, 3 की जगह पे 1 है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि रूट 2RG से कम हो जा रहा है, नहीं। तुम लोग का मैथ्स भी महान है इसलिए मैं कह रहा हूं, है ना। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर अंडर रूट 5RG माइनस अंडर रूट 3RG कितना होना चाहिए, अंडर रूट 2RG, ऐसा नहीं होता कुछ सोचना, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, है ना, ऐसा नहीं होता। तो ये नहीं सोचना है कि सर अंडर रूट 2RG, अंडर रूट 2RG काम कर देना है ना। हाँ, रूट के अंदर पे 5 की जगह पे 3, 3 की जगह पे क्या 1, 10 की जगह पे 8, 8 की जगह पे 6, ये होता जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है समझ लो, क्योंकि अगर पार्टिकल पूरा सर्कल और मोशन कर रहा है तो यहां से जब यहां जाएगा तो हाइट में डिफरेंस कितने का होगा, आर का होगा। जब पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कितने से बढ़ेगा, जब यहां से ए से बी तक जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितने से बढ़ जाएगा,
mgr से, पोटेंशियल एनर्जी कितने से बढ़ेगा? अगर पोटेंशियल एनर्जी mgr से बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी कितने से घटेगा? कितने से? mgr से। भैया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने के लिए जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा mgr से तो काइनेटिक एनर्जी कितने से कम होगा? बिल्कुल इसी तरह से जब पार्टिकल ए से सी तक जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितने से बढ़ेगा? 2mgr। mg2r मतलब 2mgr। काइनेटिक एनर्जी कितने से घटेगा? हमेशा उतने से ही घटेगा। अब चाहे तुम यहां पे कुछ भी वेलोसिटी दो, है ना, किसी भी टाइप से वेलोसिटी दो, पार्टिकल अगर यहां से यहां तक पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट फिक्स्ड हुआ या नहीं हुआ? हमेशा कितने से? mgr से। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट फिक्स्ड हुआ तो काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीमेंट भी तो फिक्स होगा, राइट? वो कितने से डिक्रीज होगा? हमेशा mgr से। अगर काइनेटिक एनर्जी हमेशा mgr से कम होगा, राइट, काइनेटिक एनर्जी का जो डिक्रीज होना वो कांस्टेंट है, तो बेटा वेलोसिटी का चेंज भी तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी ही तो डिक्रीज होगा। मास का कोई रोल यहां पे? मास चेंज हो रहा है क्या? तो हम बार बार बोल रहे हैं कि सर कितनी भी वेलोसिटी से आप क्या कर लो, उसको थ्रो कर लो, हमेशा काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितने से कम होगा? mgr से। तो वेलोसिटी का भी चेंज कांस्टेंट होगा, राइट? इसी तरह से जब पार्टिकल ए से सी जाएगा काइनेटिक एनर्जी हमेशा 2mgr से कम होगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का भी चेंज क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसलिए बार बार हमें वैसे ही मिल रहा है 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, 10 के बाद 8, 8 के बाद। आ रही बात समझ में? तो इसको तुम क्या कर सकते हो, जनरली याद भी रख सकते हो। अगर मैंने बोला कि यहां पे मैं वेलोसिटी देता था अंडर रूट 8rg, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी? यहां पे सिंपल सा। बिल्कुल इसी तरह से तुम ये भी देख सकते हो कि रूट 5rg या उससे ज्यादा की वेलोसिटी रहे तो 6mg, 3 कम हो गया 3mg, फिर 3 कम हो गया कितना? यहां पे 11mg था, 3 कम हुआ 8, 3 कम हुआ। अगर मैं बोलूं कि यहां पे 7mg होता तो यहां पे कितना हो जाता और यहां पे कितना? सिंपल सा। समझ में आया? इसी को हमें क्या करना है, नोट करके लिखना है, है ना। इसको तो तुम नोट नहीं कर सकते कि सर रूट 2rg से कम हो जाता है। तुमको बस ध्यान रखना है कि रूट के अंदर दो 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 कम करते जाओ। लेकिन टेंशन को तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि भाई लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट में टेंशन का डिफरेंस हमेशा 6mg के बराबर, और लोवेस्ट और 90 डिग्री जब स्प्रिंग बनाता है तो हमेशा 3mg के बराबर। आया समझ में? तो तुम रेफरेंस के लिए इसको भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, नोट करके लिखना है। नोट लिख लो इसको, फिर तुम अपना नोट वो कर लेना, लिख लेना। इफ वेलोसिटी गिवन एट द लोवेस्ट पॉइंट, इफ वेलोसिटी गिवन एट द लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन root 5rg, then the difference in tension between lowest and highest point, difference in tension between lowest and highest point is always 6mg, is always 6mg, हमेशा 6mg के बराबर होगा। बट लोवेस्ट पॉइंट पे रूट 5rg या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब तुम बोले सर रूट 3rg देंगे तो इतने में यहां तक पहुंचा वापस आ जाएगा, तो लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, है ना। और इसको हमेशा रूट के अंदर दो 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 कम कर सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से यहां जाएगा हमेशा। अगर ये भी क्वेश्चन पूछे यहां से यहां तक गया काइनेटिक एनर्जी कितने का इंक्रीज होगा, 2mgr का, यहां से यहां जितना पोटेंशियल डिक्रीज, सॉरी जितना पोटेंशियल इंक्रीज होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा। बिल्कुल सिंपल सा, क्लियर है ये? इस पे हमें क्वेश्चंस करने और इस पे बढ़िया क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। पर वो क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में।